आपके अगले सवाल से पहले मैं जिस मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ये जो जितने मैंने ऐलानात किए हैं, मैं बाबे पुंछ जनाब साबिक सदर साबिक वज़ीर आज़म हाजी सरदार मोहम्मद यकूब खान की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन ले जाके तो ये पुंछ की आवाम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, लास्ट क्वेश्चन अच्छा एक सेकंड, एक आपका और एक आपका, तीन सवाल। अच्छा अच्छा पता, गुजारिश क्या है, गुजारिश ये है कि 2 बजे मुझे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आज स्पेशल आज़ाद कश्मीर के ऊपर एक मीटिंग बुलाई हुई है, फेडरल जो सेनेट की कमेटी है फॉर फाइनेंस, उसमें पहुंचना है। तो गुजारिश क्या है कि डेफिनेटली आप बैठे हुए हैं, 1 घंटा मैं और बैठने की पोजिशन में ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे 2 बजे चूँकि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में पहुँचना है, तो अगर कुछ तिशनगी रह भी गई है तो उसके लिए मैं एडवांस माजरत करता हूँ, आइंदा आपसे बात करूँगा। तो अगर आप मुख्तसर सवाल करें तो मैं आप शायद सब का सवालों का जवाब दे के उठता हूँ। भाई आप थोड़ा पीछे करें, गुजारिश ये है कि वसाइल जो हैं आबादी के अतबार से तकसीम किए जाते हैं। 44 महीनों में मैं जन्नत के टिकट नहीं बांध सकता, जो मैंने एहसास में रूमी देखा उसको अपनी नाकस अकल के मुताबिक मैंने पैरेलल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए आपको फाइनेंसिस जनरेट करने हैं, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया मैं अपने विजन पे काम कर सका, अपने थाजियों को साथ लेके चल सका, फाइनेंसिस को जनरेट कर सका, तो ज़रूर इन तमाम चीज़ों को जिनकी तरफ आप निशानदेही करेंगे काम करूँगा। जी बेटा, अब मेरी गुजारिश है, आपने सवाल कर लिया, अब ये जितने आप नौजवान लोग हैं ये इशारों के नए में क्यों बात करते हैं? अच्छा तासर आप अपना तो बयान कर सकते हैं, मेरी अर्ज़ सुन लेना, अवामी तासर के लिए आपको गैलप सर्वे का हवाला दे दें। अच्छा फिर किसी काउंसलर चेयरमैन को जो किसी ने मुंतखब किया हुआ है उसका हवाला दे दें। अवामी तासर के लिए तो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर कायम होना है वो तासर। और इंडियन कोर्ट को मैंने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करना कि मेरा मसला 370 नहीं है, मेरा मसला है अलहाके कश्मीर, उसके लिए हक़े खुदरादियत, हक़े खुदरादियत के लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। अगर मकबूजा कश्मीर का रियासती तशख्स को बहाल करते हैं खुशायन बात होगी। 370 मैंने कब माना, मैंने हाँ देखें गुजारिश ने जो 35A है वो कानून है जो इस बात को इंश्योर करता है आज़ाद कश्मीर में भी मकबूजा कश्मीर में भी कि इसको डेमोग्राफिकली चेंज नहीं किया जाएगा। वो जो 4.2 मिलियन उन्होंने वहाँ हिंदू आबाद किए हैं बाहर से ला के, अगर 35A वो फिर बहाल करते हैं तो उनको जाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, और वो भी हिंदुस्तान की अदालतों की ऑब्जर्वेशंस को मैंने क्यों रिस्पॉन्ड करना है? जुमला आपको बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी स्टेटमेंट देता है तरीके आज़ादी कश्मीर नहीं तो कुछ भी नहीं। और गुजारिश ये है कि यहाँ कंपनी की मशहूरी के लिए सारी गुफ्तगू होती है ना, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी किस वक्त में क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। मुझे जो मिजाजन जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, कौन सी कंपनी है। अभी तो ये भी जुमला आपको कहना चाहिए था किसी दोस्त को कि मुझे ये कंपनी चलती नजर नहीं आती। वो ऑब्जर्वेशन जो मर्जी करें, सवाल करें ना, तो सवाल का मुझसे जवाब लें। जी फरमाइए आप कैसे आप जल्दी से आप जल्दी से सवाल करें, आपने करना पड़ गया तो
कि जो पब्लिक के टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, एक जुमला आपने ज़रूर सुना होगा कि मैंने शुगर कोटेड अंदाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट नीचे नायब कासत तक सबको अपने होने की ज्वाजीत देनी है। तो सबसे पहले जो मैंने 100 दिनों में जो कुछ किया है, अगले आने वाले दिनों में वो प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। आपके सवाल के जवाब को स्पेसिफिक करते हुए, बायोमेट्रिक हाजिरी कहाँ से शुरू हुई? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, फिर सेक्रेटेरिएट में गई, डैशबोर्ड हैशबोर्ड वो लग चुका है मेरे उधर दफ्तर में, कमिश्नर्स अंगूठा लगाते हैं, डीसीज लगाते हैं, जब बादशाह सलामत लगाएंगे ना, जो हमने उर्फ आम में जुमले बनाए हुए हैं, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे जाएगा। जब हाकिम कानून से मावरा है तो फिर किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब मुझे मैं पकड़ा जाऊँगा ना, जब मैं एक ऐसा निज़ाम वजह कर दूँगा कि जिसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाएगा। एक तो जो डॉक्टर्स हैं, देखें रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने माफियाज जन्म दे दिए, जो ये राइट समझते हैं, वो मैं किसी भी सोसाइटी का नाम नहीं लगता, अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं, कि जी हमने सरकार के खजाने से तनख्वाह लेनी है और डंके की चोट पे घर बैठ के लेनी है। एज लॉन्ग एज आई एम प्राइम मिनिस्टर, भूल जाए तो ये कि चाहे वो किसी अशराफिया का बेटा है, भतीजा है, बीवी है, साली है, कुछ भी है, ये गवर्नमेंट उसको टक्कर जाएगी एड ऑन करके खानी है आपने। अगर मैं करके खाता हूं ना, सब ने करके खानी है। बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह इन्फोर्स हो रहा है। डॉक्टर्स की खाली पोस्टों पे हमने अभी तकरीबन 100 के करीब तकरियां कर दी हैं। पल्स कमीशन जो जो कुछ कर रहा है वो हम साथ साथ इन्फोर्स करते जा रहे हैं। चेंजेस के लिए, विजुअल चेंजेस के लिए, यू हैव टू गिव मी सम रूम एंड स्पेस। 100 दिन में मैंने क्या किया है, पार्लियामेंट में भी बताऊंगा, प्रेस में भी और पब्लिक में भी। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, गुजारिश यह है कि क्योंकि बलदियाती इलेक्शन कई सालों के बाद हुए, नए लोग आए हैं, इख्तियारात दर्ज हैं, उनको सबसे ज्यादा मसाइल थे वसाइल के। अब उन्होंने दलदाती दारों ने वसाइल जनरेट करने शुरू कर दी, लोकल टैक्सेस लग गए, अब उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स भी बन रही हैं। देखें, अवामी नुमाइंदगी का हक जिसके पास भी है, बलदियाती इदारा है, असेंबली का मेंबर है, सेनेट का मेंबर है, कौमी असेंबली का मेंबर है, जिसके ऊपर ये टैग है, सर्टिफाइड टैग, कि जी आप अवामी नुमाइंदे हैं, उसका एहतराम जमहूरी माशरू में मुकदम है। और हिस्सा बकदरे जुस्सा जो उनको आता है मिल जाए, पॉलिसी स्टेटमेंट है। जी, इजाजत आप मुझे, थैंक यू वेरी मच। आप सारे